इधर उधर नहीं, या तो एनडीए या तो इंडिया, या तो एनडीए या तो इंडिया, दो ही लोगों में लड़ाई है पूरे बिहार में। इधर उधर नहीं पटना है। बहुत लोग बीजेपी आरएसएस के मदद से इनके चाल चरित्र को हम लोग जानते हैं। ये लोग वही लोग हैं जो क्रिया खाया गया था कि तेजस्वी अगर चुनाव जीत जाएगा तो संन्यास ले लेंगे। क्रिया खाने वाले लोग आज बेशर्मी से खड़े हैं। पिछला चुनाव में 20 के चुनाव में मुख्यमंत्री का उम्मीदवार बन करके घूम रहे थे, अब भाजपा के पैसा से हेलीकॉप्टर से दौरा कर रहे थे। सारा हेलीकॉप्टर का बिल है मेरे पास। कौन भाजपा वाला इन लोगों को खड़ा किया है? और आज घूम घूम करके लोग कह रहा है कि हमको जिता दो ए मुसलमान भाई, ए यादव भाई, हमको जिता दो, जीतने के बाद हम जो है कांग्रेस पे जाएंगे। कांग्रेस के गठबंधन में हम लोग हैं। राहुल गांधी को मदद हम कर रहे हैं। हमारी संख्या बढ़ेगी तब जो है राहुल गांधी का हाथ मजबूत होगा। और कुछ लोग बीजेपी के लोग जो है एजेंट हैं, वो खुलेआम अब तो टीवी पे कहने लगे हैं कि आरएसएस वाला भाजपा वाला हमको खुल के मदद कर रहा है, खुल के मदद कर रहा है, खुल के मदद कर रहा है। तो ऐसे बेरुपियों लोगों से हम लोगों को बचने का काम करना है। और लालू जी को भाजपा ने इतना सताया, आप अल्पसंख्यक भाइयों की लड़ाई लड़ी, लालू जी ने अडवाणी जी के रथ को रोका, आज भी उनकी सजा दिया जा रहा है, हम पे केस मुकदमा किया जा रहा है। लेकिन जब लालू जी भाजपा मोदी जी से नहीं डरे तो उनका बेटा भी डरेगा नहीं, लड़ाई लड़ने का काम करेगा। ये देश हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबका देश है। अगड़े हो, पिछड़े हो, दलित हो, अल्पसंख्यक हो, अति पिछड़ा हो, ये देश सबका देश है। इसलिए कोई चाहता है कि नफरत फैलाया जाए, दंगा कराया जाए, या कोई कहता है भाजपा के लोग संविधान को खत्म कर देंगे, तो उनको चुनौती है। कोई माइकल लाल बाबा साहब अंबेडकर का लिखा हुआ संविधान को बदल नहीं सकता। हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। कुछ लोग फूट डालना चाहते हैं। आप सब लोगों से अपील कर रहे हैं, पूर्णिया की महान जनता से अपील कर रहे हैं कि आप लोग लालू जी को ताकत देने का काम कीजिए, आप लोग लालू जी को ताकत दीजिए और हम लोग भाजपा को पटकनिया देने का काम करेंगे। कोई लोग तोड़ता हो, करता हो, कंफ्यूजन पैदा करता हो, उस कंफ्यूजन में नहीं रहना है। हर चुनाव में यही हाल है, हर चुनाव में यही हाल है। क्या क्या मेरे को, मेरे पिता को इन लोगों ने गाली नहीं दिया, आज कुछ लोग निर्दलीय खड़ा हो गए। ना महागठबंधन का धर्म निभाना है, और इनका अगर हम वीडियो निकाल करके दिखा दे तो शर्म से लज्जित होकर के चेहरा छुपा लेंगे। लेकिन शर्म भी एक सीमा तक है, उनको कोई शर्म की परवाह भी नहीं है। क्या क्या हमको और लालू जी को गाली नहीं बका गया, आप बताओ। अगर तेजस्वी ने और लालू जी ने एक शब्द भी उनके खिलाफ अगर बोला हो तो कुछ नहीं बोले, कभी नहीं बोले, हमेशा चुप्पी साधी रखी, उनकी गालियों को हम लोग सुनते रहे। आप लोग देखिएगा सोशल मीडिया में, यूट्यूब पर जाकर के देखिएगा कितना गाली हम लोगों को उस व्यक्ति ने देने का काम किया है, भाजपा के एजेंट ने। इसलिए आप सब लोगों से यही अपील है, बीमा भारती जी को जिताइए। पूरा बिहार में मुकेश सहनी जी मेरे साथ आए हैं। सारा अति पिछड़ा, पिछड़ा अल्पसंख्यक भाई, दलित भाई, आदिवासी भाई एक हो गया है, एक हो गया है।
और एक होकर के हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, तो कुछ नहीं इधर उधर ध्यान देना है, चुपचाप लालटेन पर बटन दाब रहा है, तो चुपचाप जोर से लोग बोलिएगा, चुपचाप 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 लालटेन छाप। और तेजस्वी ने 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दिया 17 महीने में, अगर आप लोग ताकत दीजिएगा तो पूरे देश में 15 अगस्त के दिन से आने वाला 15 अगस्त को हम लोग अगर जीतते हैं तो 1 करोड़ लोगों को देश भर में सरकारी नौकरी हम लोग देने का काम करेंगे। तो विजय के माला भेंट कर दे भीमा जी को, हाथ उठा के बताए विजय के माला भेंट कर दे। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सब लोगों का शुक्रिया करते हैं, आप सब लोगों का बनमंकी की जनता। तेजस्वी यादव जिंदाबाद। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।